हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के इस वीडियो में तेंदुलकर समिति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तेंदुलकर समिति का संबंध भारत में निर्धनता या गरीबी के आकलन से है। भारत में निर्धनता रेखा के नीचे लोगों की पहचान करने हेतु 2005 में योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2009 में दिया। तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत की कुल आबादी के 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया। इस समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जो व्यक्ति 1,000 रुपये से प्रति माह कम खर्च करता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति 816 रुपये से कम खर्च करता है वह गरीब है। अर्थात शहरी क्षेत्रों में 1,000 रुपये से कम खर्च और ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये से कम खर्च करने वाला व्यक्ति गरीब है। इस समिति के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 33 रुपया प्रतिदिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपया प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले व्यक्ति गरीब हैं। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।